तो जी हाँ, अब आप लोगों के बीच में जल्द ही कबूल है सीज़न 3 का पहला पार्ट लौट कर आ रहा है। दोस्तों आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि इस बार कबूल है सीज़न 3 में जोया फारूकी का किरदार निभाते नज़र आएंगी सुरभि ज्योति, और साथ में करण सिंह ग्रोवर अपने उन्हीं हुसैन का जलवा बखेरते नज़र आने वाले हैं। दोस्तों जैसा कि आप सभी को पहले ही बता दिया था कि करण सिंह ग्रोवर और सुरभि ज्योति तीसरे पार्ट के लिए अगेन कमबैक कर रहे हैं। सुरभि ज्योति जो कि इस बार थोड़ा अलग हटके किरदार करने जा रही हैं, जो कि उन्होंने पहले भी एक बात की जाए तो दो सीज़न कर चुकी हैं करण सिंह ग्रोवर के साथ में। दो सीज़न में, पहले सीज़न में करण सिंह ग्रोवर जो कि असद अहमद खान की भूमिका निभाई थी और एक बिजनेसमैन की भूमिका में नज़र आए थे। वहीं सुरभि ज्योति की बात कर लेते हैं दोस्तों, सुरभि ज्योति की बात की जाए तो सुरभि ज्योति एक दूसरी कंट्री से आती हैं और फाइनली इंडिया में रहने लगती हैं करण सिंह ग्रोवर के घर पे। लेकिन फाइनली जब कबूल है 2.2 आया था उससे दर्शकों को काफ़ी उम्मीद थी और वाकई में वो इतना ही खराब निकला था। करण सिंह ग्रोवर एक बात की जाए तो इंडियन प्लेयर होते हैं, इंडियन खिलाड़ी होते हैं और साथ में इंडियन जासूस होते हैं, और इधर मिस जोया फारूकी का किरदार निभाया था कबूल है 2.0 में सुरभि ज्योति ने, जो कि एक पाकिस्तानी मिनिस्टर की बेटी होती हैं सुरभि ज्योति। सुरभि ज्योति को छोड़ने के लिए करण सिंह ग्रोवर उनके घर पाकिस्तान पहुंच जाते हैं उन्हें सही सलामत पहुंचाने के लिए। दोस्तों आपको बता देता हूं कि करण सिंह ग्रोवर टेलीविज़न के एक ऐसे एक्टर हैं जिनकी पॉपुलैरिटी वाकई में आज के समय में सबसे अधिक है और लोग उनको देखने के लिए काफ़ी समय से इंतज़ार भी कर रहे हैं। लेकिन जल्द ही करण सिंह ग्रोवर और सुरभि ज्योति अगेन अपने उसी किरदार में नज़र आएंगे, क्योंकि कबूल है सीज़न 3 के लिए अगले महीने से शूटिंग स्टार्ट कर दी जाएगी, जिसमें कि असद का किरदार फिर निभाते नज़र आने वाले हैं करण सिंह ग्रोवर। करण सिंह ग्रोवर के साथ साथ में सुरभि ज्योति की मुख्य और एक अहम भूमिका होने जा रही है, जिसके लिए लोग काफ़ी समय से जो कि एक्साइटेड हैं, क्योंकि सीज़न 3 लगभग करण सिंह ग्रोवर के ही नाम होने जा रहा है। ये बात तो आपको भी पता है कि करण सिंह ग्रोवर और सुरभि ज्योति जो कि एक दूसरे को बहुत समय से पसंद भी करते हैं और जल्द ही अपनी नई भूमिका के साथ नज़र आने वाले हैं करण सिंह ग्रोवर असद के रूप में और मिस जोया फारूकी के रूप में सुरभि ज्योति नज़र आने वाली है। आप लोगों को बता देना चाहता हूँ सुरभि ज्योति और करण सिंह ग्रोवर हमेशा से ही एक पॉपुलैरिटी हासिल तो करी ही है, साथ ही दोस्तों वाकई में ये आज के समय के सबसे बड़े एक्टर भी माने जाते हैं। साथ ही दोस्तों आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि मिस्टर असद अहमद खान एक टेलीविज़न के सबसे पॉपुलर और सबसे हिट चेहरा हैं, जिन्होंने हेट स्टोरी 3 में काम किया था, काफ़ी अच्छी मूवी साबित हुई थी, लेकिन जल्दी ही कबूल है सीज़न 3 में भी अपने जलवे बखेरते नज़र आने वाले हैं करण सिंह ग्रोवर और सुरभि ज्योति। साथ ही दोस्तों आप लोगों से मैं अनुरोध करना चाहूँगा गाइज कि अगर आप मेरे YouTube चैनल पर नए हैं तो गाइज मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करके कमेंट करके ज़रूर बताओ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, लव यू गाइज, लव यू ऑल ऑफ यू।